चांडिल डैम जब बना था तो उम्मीद वहाँ के लोगों की थी कि उनके दिन बदलेंगे, क्योंकि खेती होगी और गृहस्थी होगी और घर खुशहाल होंगे। लेकिन जैसे ही चांडिल डैम बना तो तमाम जो वहाँ पर लोग थे वो विस्थापित हुए, और सरकार ने जो वादा किया था पुनर्वास का हो या नौकरी का हो, उस वादे से हट गई। यही कारण है कि करीब 4 दशक के बाद भी तमाम जो चांडिल के लोग हैं, करीब 116 गांव जो है वो प्रभावित हुए थे, और उस गांव के लोग हर दिन आपको राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे। यह नज़ारा राजधानी रांची के राजभवन के पास का है। पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर चांडिल से लोग पहुंचे हैं और यहां पर बैठे हुए हम सीधे बात करते हैं। क्या कुछ मांग है? लंबे समय से आप लोग कभी पद यात्रा कर पहुँचते हैं तो अब आमरण अनशन करने की जरूरत पड़ी? जी, हमारा मांगे हैं कि जब हमारा ज़मीन लिया गया था 1978 में, तो सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से, हमें ये बिहार सरकार थी उस समय, उन्होंने बताए थे कि आप लिखित तौर पे, विकास पुस्तिका पे लिखा हुआ था कि आप सारे लोगों को ज़मीन के बदले में हर एक परिवार में एक नौकरी दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग को पुनर्वास जहाँ पर करेंगे सारे सुविधाओं के साथ, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, हाट, बाज़ार, मंदिर, मस्जिद, हर सुविधा के साथ आप लोग को मुहैया कराएंगे और वहाँ पर 25 डिसमिल ज़मीन देंगे। लेकिन आज दुख की बात है, आज 42 साल होने के बावजूद भी ना हमें नौकरियाँ मिला। नौकरियाँ अपॉइंटमेंट लेटर 1200 व्यक्ति को 1990-92 में मिला था, ये 1200 से 1400 व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, उन सारे लोग रिटायरमेंट हो गए, लेकिन प्लेसमेंट नहीं मिला। ज़मीन, कुछ लोगों को ज़मीन मिला है लेकिन आज पट्टा नहीं मिला है। पट्टा नहीं मिलने के कारण सरकारी कागजात हमें नहीं बन पा रहा है, और अभी 22 जो पुनर्वास स्थल बनाया गया है, आज अभी उन पुनर्वास स्थल हमारे लिए जो ज़मीन बना, उन ज़मीनों को दलाल लोग क्या कर रहे हैं, विभाग के साथ मिलकर ज़मीनों को खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, अंचला अधिकारी हो, कहीं किए हैं या नहीं? जी, किए हैं। हमारे अगर क्षेत्रीय थाना की बात बोलूं तो सबसे ज़्यादा कैसे हमारे विस्थापितों के लिए ही, लेकिन दुख लगता है जब हम सारे विस्थापित कोई हमारे समस्याओं को लेकर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए उल्टा विस्थापितों पर केस किया जाता है। अभी मैं बताना चाहूँगा तो 16 जून से जो हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना कर रहे थे, उसमें चरणबद्ध तरीके से कभी हम लोग सड़क पद यात्रा कर रहे थे, कभी हम लोग ऑफिस का घेराव करते थे, तो उसमें हम सारे लोगों पर गलत इल्ज़ाम लगा, पर हम सारे लोग पर उल्टा कैसे होती है, हम सारे लोगों पर 353 जैसे बड़े धाराएं लगाया जाता है, तो हमारे बातें को न सुनकर हम पर दमन करने का काम किया जाता है, हम पर शोषण करने का काम किया जाता है। हम सारे लोग बहुत पीड़ित हैं, शोषित हैं, बहुत दुखी थे हम सारे लोग, विभाग से, सरकार से, हर एक जगह से जब हम सारे लोग थक चुके हैं, तो अब हम लोग महामहिम के पास आए हैं, हम लोग अपनी पीड़ा को बताने के लिए, हमारे दुख दर्द को बताने के लिए, ताकि उनके तरफ से अगर राज्य सरकार या हमारे विभाग की अगर नींद तंत्र टूटती है तो शायद हम सारे लोगों को न्याय मिले, अपना हक अधिकार मिले। कितने गाँव टोटल हैं जो विस्थापित हुए हैं, और कब से आप लोग यहाँ बैठे हैं, और कितने की संख्या में? जी हाँ, नमस्कार। सबसे पहले हम लोग का विस्थापित गाँव 84 मौजा 116 गांव है, और टोटल 116 गांव 84 मौजा के लोग हम लोग सबसे पहले 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक हम लोग पद यात्रा किए चांडिल से राजभवन तक। उसके बाद क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो पहले डैम बनने से पहले जो हम लोग से वादा किए थे वही वादा हम लोग को पूरा कर दे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, पर्व त्यौहार का दिन भी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आप लोग धरना पर भी यहाँ बैठी हैं, आमरण अनशन कर रही हैं, कितना दुख होता है कि झारखंड तो बन गया लेकिन यहाँ के लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा? ঘরের টাকা পাই নাই, আর ঘর যখন ঘরে লুটিস নাই বলছে, কোনো লাল কার্ডের টাকা উঠার যাচ্ছি, কোনো বলছে ঘরে লুটিস না হলে হবে নাই, তো জমি জায়গা সব ডুবিয়ে যাচ্ছে, আর ঘরের পয়সা পাই নাই, আর ছাদে 40 বছর হয়ে যাচ্ছে, লাল কার্ড বনে নাই, আর আমরা লাল কার্ডের টাকা বুড়ারও পাই নাই, তো আমাদের কিছু নাই, জমি জায়গা সব জলে ডুবিয়ে যাচ্ছে, কাম করি করুন খাই কি করবে। तो करीब 42 साल से तमाम जो लोग हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनकी मांग को कोई सुन ले, और जो वादा किया गया था, चाहे वो विस्थापन का हो, रोज़गार का हो, वो सरकार पूरा करे, लेकिन आखिरकार
कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, इसके बावजूद देख सकते हैं कि एक तंबू लगा करके राजभवन के पास रहने को मजबूर है। इनसे मिलने आज राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी पहुंचे थे और देख सकते हैं तस्वीर में कि तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। और हम पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा आदित्य साहू ने। सरकार से इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार मुझे लगता है कि संवेदनहीन सरकार है, जनता से दूर दूर तक नाता नहीं है। बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, बगल में मंत्री जी का विभागीय मंत्री का आवास है, सारे मंत्री मुख्यमंत्री सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस राजधानी में रहते हैं। और गांव के लोग चांडिल से आकर के चार दिन से लगातार भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनसे कोई ना हाल चाल लेने वाला ना कोई सुध लेने वाला है। पहले से बिजली जल रही तो उसको भी काट दिया गया, शौचालय जो हमारी माताएं बहनें भी इस आमरण अनशन में बैठी हुए हैं उनको कितना कष्ट होता होगा आप सोच रहे, जो शौचालय था उसको भी हटा दिया गया। मतलब इनकी बातों को क्या सुनेंगे, उल्टी इनको और तड़पाने का किया जा रहा है, प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी संवेदनहीन सरकार जो जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने और अपने वंश की चिंता करते हैं, जनता रसातल में चला जाए कोई मतलब नहीं है। तो सामने उदाहरण है कि इतने सारे लोग आमरण अनशन में चांडिल से आकर के बरसों पुरानी मांग को मांगने का काम कर रहे हैं। सर इनका अनशन जो है चार दिनों का है और जब इन्होंने ज़मीनें, ये बहुत संकट खड़ा है। स्वाभाविक है कि जो लोग ज़मीन देते हैं, जो घर से बेघर हो जाते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन्होंने ज़मीन दिया इस राज के उत्थान के, यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, आज वही दर दर भटक रहे हैं, तो इनकी समस्या को तो आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम से कम बातचीत तो करना चाहिए, आके हाल चाल तो पूछना चाहिए, किस स्थिति परिस्थिति में आप हैं। हाल चाल पूछने तक के भी वो लोग मुनासिब नहीं सरकार में बैठे हुए लोग समझ रहे हैं, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। सर आपने अभी राजभवन से के अधिकारियों से भी बात की है, क्या आश्वासनों में? देखिए आमरण अनशन में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, इन लोग कहना था कि राज्य की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी जब हमारी बातों को अनदेखी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो एक ही रास्ता बनता है कि महामहिम के पास अपनी जा करके अपनी वेदना को बतलाने का काम करें। हमने इनकी बातों को सुनकर, इनके पीड़ा को सुनकर के महामहिम राज्यपाल महोदय के ADC जो होते हैं उनसे बात किया, कल उन्होंने 11 बजे का समय दिया है, उन्होंने कहा कि उनका नाम और नंबर भिजवा दें, कल महामहिम जी से इन लोगों को मिलवा देंगे। हमने बात किया है, निश्चित रूप से कल इनकी महामहिम से मुलाकात होगी, अपनी जो समस्याएं हैं उनको रखने का काम करेंगे। तो फिलहाल जिस तरह से आदित्य साहू ने राजभवन में बात की है, क्योंकि महामहिम से इनकी मुलाकात हो सके और अपनी समस्या को यहाँ पर बता सके कि यह जो मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं, तो इनकी मांग कहीं ऊपर तक जाए और राज्य सरकार सुने। चांडिल डैम बनने से स्थानीय लोगों का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन उस विकास की बहाव में जरूर इनके घर डूब गए, आंगन डूब गए, मवेशी डूब गए और आखिरकार अब अपने न्याय की मांग को लेकर राजभवन और रांची की दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।